इफ़ यू फील कम्फर्टेबल विद ऑल द कंसेप्ट ऑफ डाटा माइनिंग थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली नाउ द क्वेश्चन कम्स वट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डाटा माइनिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की में डाटा माइनिंग की एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन जो है डेट इज़ रिलेटेड टू वेब माइनिंग अब ये वेब माइनिंग क्या है और क्यों यूजफुल है और डाटा माइनिंग इसमें कैसे आती है आइए इसको डिस्कस करते हैं मैंने यहाँ पे एक फिगर दी है जो बेसिकली हमें बता क्या रही है जो इस प्रॉब्लम को डिफाइन करेगी हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने में हेल्प आउट करेगी वो कैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ड दिया है वेब माइनिंग अब यहाँ पे आप गैस कर सकते हैं वेब माइनिंग का मतलब क्या होगा कि जो इंटरनेट पे मौजूद इंफॉर्मेशन है उसको माइन करके इंसान के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे मैं इसको रिपीट करता हूँ वेब माइनिंग का क्या फोकस होगा इनपुट क्या होगी ऑल द इंफॉर्मेशन और इंटरनेट यानी कि जो हमारा इंटरनेट है डब्ल्यू 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 वेब है उस पर सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन पड़ी है उसको पकड़े और यहां पर ह्यूमन मौजूद है उसको अंडरस्टैंड कर सके अब कैसे होगा ये अब ये कुछ तस्वीर हैं जो आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हम अपने कोर्स में यूज करते रहें। फॉर एग्जाम्पल ये तस्वीर क्या बता रही है ये बता रही है कि आपने डोमेन एक्सपर्ट का नॉलेज लेके आना है इससे मुराद क्या है कि यह पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको जो सारा वेब जो है वो एकदम इंसान को समझ आ जाएगा आप उसे डिफरेंट डोमेन्स में डिवाइड करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट की डोमेन सेल्स परचेज की डोमेन जिसे इन्वेंट्री भी हम कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर की डोमेन एंड ऑन यह चीज क्या बता रही है कि जो डोमेन होगी उसके लिहाज से आपने डेटा बेस डेवलप करना है डाटा बेस बनाना है मेक सेंस डेटा बेस को कैसे आपने ओल एप सर्वर में लेके आना है कैसे उसके क्यूब्स बनाने ये इंफॉर्मेशन यहां होगी उन क्यूब्स को कैसे सब सैंपल्स में कन्वर्ट करना है क्लस्टर्स क्या करने हैं टुकड़े क्या करने सेगमेंट्स क्या बनाने वो इन्फॉर्मेशन यहाँ होगी यूजफुल पैटर्न्स क्या होंगे और फिर एंड में ह्यूमन होगा जो इसको अंडरस्टैंड करेगा तो इससे मुराद क्या है कि अगर आपने डाटा माइनिंग के एल्गोरिथम्स को अच्छी तरह से समझा है और आपके पास कोई भी किसी भी किस्म का इनपुट डाटा है जो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास डब्ल्यू डब्ल्यू वेब है जो इंटरनेट जिसको हम कहते हैं उस पे लाखों, पर लाखों अरबों किस्म के हमारे पास डाटा मौजूद है उनको आप किन फेजिस से गुजरते हुए ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं अब यही चीज़ मैंने यहाँ पे दोबारा दिखाने की कोशिश की कि हमारे पास वेब माइनिंग को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरह कहेंगे कि वेब माइनिंग स्टैंड फॉर डिस्कवरिंग नॉलेज फ्राम एंड अबाउट डब्ल्यू डब्ल्यू वेब या वर्ल्ड वाइड वेब और इसको क्या है कि ये एक इज़ वन ऑफ द बेसिक एबिलिटीज़ ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट कि अगर आपको इंटेलिजेंट एजेंट बनाना चाह रहे हैं प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं कंप्यूटर का तो वो क्या कर सकेगा कि जो डब्ल्यू डब्ल्यू वेब है जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के डाटा मौजूद है जिसको मैं अभी फिर एक्सप्लेन करूंगा डाटा जो मौजूद है उनको कहते हैं मल्टी मीडिया डाटा अब ये मल्टी मीडिया डाटा से मुराद क्या है अगर मैं आपसे कहूँ कि वेब पे जो डाटा है वो किसी भी किस्म का हो सकता है जैसे टेक्चुअल डाटा आप लोग एग्री करेंगे इसके एग्जाम्पल है हमारे न्यूज़पेपर्स जैसे ये टेक्स्ट की फॉर्म में लिखे होते हैं ऑडियो डाटा नेट के ऊपर ऑडियो डाटा पड़ा होता है जैसे हमारे पास अगर हम मजहब मजहबमंद बात करें तो हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पड़ी होती हैं उलमा के डिफरेंट बयान पड़े होते हैं ये ऑडियो की फॉर्म में होते हैं वीडियो डाटा इसी तरह जैसे अभी हमने अभी बात की हमारे पास सॉन्ग्स पड़े हुए हैं फिल्में पड़ी हुई हैं हमारे पास ट्यूटोरियल्स तो पड़े हुए हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का डाटा पड़ा हुआ है वीडियो रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं तो अब क्या है कि हमारे पास जो डाटा है वेब पे टेक्सचुअल फॉर्म में भी है ऑडियो फॉर्म में भी है और वीडियो की फॉर्म में भी है इसको कहते हैं मल्टी मीडिया डाटा जो मुख्तफ़ मीडिया की फॉर्म में हो यानी मुख्त डोमेन्स की फॉर्म में हो टेक्सचुअल ऑडियो वीडियो इसी तरह हमारे पास बायोलॉजिकल डाटा भी है जो जीन्स की फॉर्म में होता है सीक्वेंस की फॉर्म में होता है तो अब क्या है कि वेब जो है एक एमलगम है मिक्सचर है मल्टीपल डाटा सोर्सेज का और ह्यूमन को क्या चाहिए उस डाटा सोर्सेज में से हमें चाहिए नॉलेज तो वेब माइनिंग क्या करेगी डब्ल्यू डब्ल्यू डाटा में से नॉलेज निकाल के देगी ह्यूमन की अंडरस्टैंडेबिलिटी की तो जो वेब माइनिंग है वो एक ब्रांच ऑफ डाटा माइनिंग हम कह सकते हैं जो क्या करती है डाटा माइनिंग की टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ करेगी फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेब डाटा